नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पीछे यहां पे शव गृह बना हुआ है। आज सुबह एक हादसा पेश आया नेशनल हाईवे पे। दुखद खबर आपको सुनाने जा रहा हूं कि एक महिला की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और उनकी बेटी उनके साथ ही जो कि गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में दाखिल करवाया गया है। जिस महिला की मौत हुई है उनकी पहचान बताता चलूँ आपको कि शुभिमा बेग बताया जा रहा है। उनकी उम्र 52 साल बताई जा रही है और उनके पति का नाम मोहम्मद बशीर बताया गया और ये सुभाष नगर के रहने वाले हैं। उनकी बेटी जो घायल है उनका नाम रुबीना बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सुबह 7:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आया है। कहा जा रहा है कि ये किनारे चल रहे थे कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से इनकी मौत हो गई है, लेकिन गाड़ी का अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो गाड़ी कौन सी थी, छोटी गाड़ी थी कि बड़ी गाड़ी थी, लेकिन पुलिस की ओर से ये पता लगाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये आज सुबह 7:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आया है। ये नेशनल हाईवे सुभाष नगर से जो रास्ता नीचे को निकलता है हाईवे पर, वहाँ पर यह हादसा पेश आया है। और मैं फिर आपको दोबारा से ये बता दूँ कि जिस महिला की मौत हुई है उनका नाम शमीमा बेग बताया जा रहा है और उनकी उम्र 52 साल बताई गई है और उनकी जो बेटी घायल हुई है उसका नाम रुबीना बताया गया है और शमीमा बेग के जो पति है उनका नाम मोहम्मद बशीर बताया गया, उनकी भी डेथ हो चुकी है पहले की उनका। और ये परिवार सुभाष नगर का रहने वाला है। कहा जा रहा है कि गाड़ी काफ़ी स्पीड में आ रही थी पीछे से, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि वो गाड़ी कौन सी थी। हिट करने के बाद वो गाड़ी निकल गई, लेकिन ये दोनों सड़क के किनारे पड़े हुए थे कि अचानक एक व्यक्ति जो कि पुलिस में ही नौकरी करता है वो ड्यूटी पे जा रहे थे, अपनी गाड़ी लेकर आए, लेकिन उन दोनों ने जब उन्होंने देखा तो वो इन दोनों को उठाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। लेकिन डॉक्टरों द्वारा शमीमा बेग को मृत घोषित किया गया और उनकी बेटी जो रुबीना है उसे घायल बताया गया और उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। परिवार भी यहां पर पहुंच चुका है और अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो सबसे बड़ा ये हादसा आज सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर उस गाड़ी का पता लगाया जाए कि वो गाड़ी कौन सी थी। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।